नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। फरीदाबाद के दुर्गा कॉलोनी इलाके में पड़ोसियों ने दलित युवक को प्लास्टिक के पाइपों से बुरी तरीके से पीट पीट कर अधमरा कर दिया। घटना 3 फरवरी की रात की है। पीड़ित शख्स का आरोप है कि जैसे तैसे वो उनसे बचकर पुलिस चौकी पहुंचा, लेकिन पुलिस ने कोई भी सुनवाई नहीं की। इतना ही नहीं, पीड़ित का आरोप है कि वो MLR कटवाने के लिए सिविल अस्पताल बादशाह खान 4 फरवरी की दोपहर से लेकर 3 बजे तक रात तक डॉक्टरों के चक्कर काटता रहा। तब जाकर मीडिया के हस्तक्षेप के बाद देर रात उसकी MLR कटाई गई। पीड़ित दलित शख्स का आरोप है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की वो मांग कर रहा है। दलित युवक को पिटाई के बाद लगी इन चोटों को दिखाकर आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि पड़ोसियों ने उसे कितनी बेरहमी से पीटा है। गंभीर रूप से घायल शख्स का आरोप है कि पुरानी रंजिश के चलते पड़ोसियों ने उसे रास्ते में रोककर पीट पीट कर अधमरा कर दिया। आपको बता दें कि पड़ोसियों के खौफ के चलते पीटते देख पीड़ित शख्स को ना तो कोई पड़ोसी बचाने पहुंचा और न ही बड़े भाई की हिम्मत हुई कि वो अपने छोटे भाई को पड़ोसियों के चंगुल से छुड़ा पाए। पीड़ित शख्स का आरोप है कि पड़ोसियों ने उसे पीटने के बाद पुलिस कंप्लेंट और MLR कटवाने के लिए घर से निकलने ही नहीं दिया। जैसे तैसे करके उसने बचाव करते हुए पहले संजय कॉलोनी पुलिस चौकी पहुंचा, लेकिन पुलिस ने उसे पहले खुद सिविल अस्पताल जाकर MLR कटवाने के लिए कह दिया, जिसके बाद वो सिविल अस्पताल बादशाह खान पहुंचा। लेकिन दोपहर 3 बजे से लेकर उसे रात हो गई और डॉक्टर उसे इधर से उधर घुमाते रहे। परेशान होकर उसे मीडिया का सहारा लेना पड़ा। तब जाकर मीडिया के हस्तक्षेप के बाद देर रात MLR काटी गई। अब पीड़ित शख्स न्याय की गुहार लगा रहा है। फरीदाबाद से हमारे संवाददाता रिंकू शर्मा की रिपोर्ट। क्या हुआ था भाई के साथ? मैं आया हूँ बेलगाड़ी करके, तो मेरे भाई को लोग 3 आदमी मिल के मार रहे हैं। तो हमने कहा हम जाएंगे सर, हमको भी मारेंगे जब ऐसा मार रहे हैं। उत्तेजित भाई को छुड़ा नहीं पाए? छुड़ा का वहाँ पब्लिक बहुत सर, उनके सब आदमी सब आउट पे उन्हीं की तरफ बोल रही, मेरे तब कोई बोलने वाला नहीं सर, हम क्या करेंगे फिर? मतलब आप भाई को छुड़ा नहीं पाए उनसे? वहाँ कहाँ जाएंगे, हमको मौका ही नहीं दे रहे जाने का वहाँ से। तो आपको डर था, आपको भी मारते? हाँ, हमको भी मारते सर। फिर चौकी में गए थे आप? चौकी में हम सर गए भी नहीं है। क्यों नहीं गए? हम गए नहीं जी भाई, मेरे को यहाँ सुनवाई नहीं हो रही है। अब जब झगड़ा के बाद अब यहाँ मेडिकल कराने के लिए आए हो तो चौकी में गए थे क्या? नहीं, हम नहीं गए सर। अभी तक नहीं गए चौकी में? जाने ही नहीं दिया। मतलब पुलिस चौकी में नहीं जान दिया आपको? घर से हम कैसे ऑटो लेके यहाँ पे आए? यहाँ पे मेरा भाई लेटा था, यहाँ पे शू लगवाइए और कहे सर हम तो यहाँ कुछ करेंगे नहीं, पर्चा बना सकते हैं यहाँ पे सर और दवा दे सकते हैं। तो फिर हम गए, अपने जीजा को बुलाया, जीजा को बुला के फिर अपने जीजा ने किसी से बात की है क्या है भाई, फिर हम लोग दोबारा ऑटो से लेके आए, ऑटो वाला बेचारा खड़ा है। तब कटा है MLR आपका? तब कटा सर। ठीक है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।